नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर की एरोड्रम पुलिस ने फर्जी तरीके से लोन दिलाने वाली गैंग को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए गैंग में दो महिलाएं भी शामिल हैं। गैंग द्वारा शासकीय और प्राइवेट बैंकों से शासकीय कर्मचारी बताकर 3 करोड़ के फर्जी लोन दिलवाकर बैंकों को चूना लगा चुकी है। इंदौर की एरोड्रम पुलिस को SBI बैंक द्वारा एक शिकायत की गई थी कि पिछले दिनों बैंक से महिलाओं के नाम से 2 15-15 लाख लोन सेशन कराए गए थे, जहां महिलाओं द्वारा गवर्नमेंट सर्वेंट बताकर लोन लिया गया था, जिसमें एक महिला द्वारा CMHO में कार्यरत बताया और दूसरी महिला ने शासकीय टीचर बताकर 15-15 लाख के लोन ले लिए थे। वहीं जब पुलिस ने जब लोन के दस्तावेज की जांच की तो पता चला कि इस नाम की कोई भी महिला इस डिपार्टमेंट में नौकरी नहीं करती है। महिला द्वारा महीने की हर एक तारीख बाय सैलरी एंड ट्रांजिटी के नाम से क्रेडिट हो रहा था। इन खातों के जब पुलिस ने पता किया तो ये खाते होशंगाबाद और रायसेन से ऑपरेट होना पाया गया। वहीं पकड़े गए गिरोह के 7 सदस्य शासकीय कर्मचारी बताकर फर्जी तरीके से करोड़ों के लोन दिलवा दिया करते थे। पकड़े गए आरोपी द्वारा शासकीय और प्राइवेट बैंकों से करोड़ों के लोन दिलवा चुके हैं। वहीं DCP आदित्य मिश्रा ने बताया कि आरोपी द्वारा फर्जी लोन लेने के लिए आधार कार्ड की फ्रंट की कॉपी किसी और की और बैक साइड की कॉपी रिटायर्ड TI और वर्तमान की TI की लगा देते थे, जिससे आसानी लोन सेशन हो जाता था। वहीं पुलिस द्वारा आने वाले दिनों में बैंक अधिकारियों के साथ और भी कई लोगों को आरोपी बनाया जा सकता है। बहरहाल सभी आरोपियों से पुलिस द्वारा पूछताछ जारी है। जी, एरोड्रम थाना क्षेत्र में जो SBI का बैंक है, BSF ब्रांच, उनके द्वारा एक शिकायत आवेदन प्राप्त हुआ था, जिसमें बताया गया कि पिछले महीने उनके बैंक से 2 लोन्स सैंक्शन कराए गए थे, जो करीबन 15-15 लाख के लोन थे, जो 2 महिलाओं के नाम पे थे, जिन महिलाओं ने अपने आप को इंदौर का रहवासी बताया था और साथ ही साथ अपने को गवर्नमेंट सर्वेंट बताया था, जिसमें एक महिला के द्वारा अपने आप को यहाँ CMHO के ऑफिस में कार्यरत बताया था और दूसरे ने अपने आप को शासकीय टीचर बताया था। जब बैंक को ऐसा महसूस हुआ कि शायद जो ये लोन्स डिसबर्स हुए हैं, इसमें जो दस्तावेज दिए गए हैं वो मैच नहीं हो रहे हैं, तो उन्होंने हमें शिकायत की थी। इसमें जब सभी दस्तावेजों को खंगाला गया तो पता चला कि ऐसे इस नाम की कोई भी 2 शासकीय कर्मचारी इन डिपार्टमेंट्स में काम नहीं करते हैं। इसमें तह तक जाने के लिए हमने पहले प्रयास किया कि ये जो इनके अकाउंट स्टेटमेंट्स हैं उनको खंगाला जाए, तो उसमें एक बहुत ही रोचक चीज़ सामने आई कि दोनों महिलाओं ने जो अपना क्रेडिट हिस्ट्री या बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स बैंक के पास जमा किए थे, उसमें लगातार पिछले 6 महीने से 1 तारीख को सैलरी के नाम से, बाय सैलरी या बाय बल्क सैलरी एंड ट्रेजरी के नाम से उसमें क्रेडिट हो रहा था अमाउंट्स। हमने उन खातों का पता किया तो वो होशंगाबाद और रायसेन से ऑपरेट होने पता चला। तो इसमें इंदौर पुलिस के द्वारा एक गिरोह को पकड़ा गया है, जो कि शासकीय कर्मचारी बताकर जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री वीक होती है उनको बड़े बड़े अमाउंट्स का लोन दिलाते हैं। वर्तमान में इस गैंग के 8 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ चल रही है और कुछ को गिरफ्तार किया गया है। इसमें अभी तक इनके द्वारा करीबन 1.5 करोड़ रुपए के जो लोन्स हैं वो विभिन्न शासकीय और प्राइवेट बैंकों से लिए जाने की बात सामने आ रही है, जिसमें इंदौर में SBI में पलशिखर ब्रांच, साधना नगर एरोड्रम में BSF ब्रांच, इसी के साथ साथ IDBI बैंक और इंदौर के अलावा होशंगाबाद, रायसेन, सागर, दमोह, इनकी विभिन्न ब्रांचेज में, जिसमें HDFC बैंक, HDBI बैंक, अन्य बैंक हैं, जिनसे फर्जी डॉक्यूमेंट्स देकर, फर्जी दस्तावेज बनाकर और साथ ही साथ फर्जी अकाउंट स्टेटमेंट्स लगाकर वहाँ कुछ संभवतः बैंक वालों की मदद से फर्जी लोन डिसबर्स किए गए हैं। ये पूरी गैंग जो है ये कमीशन बेसिस पे काम करती थी, जिसमें टोटल लोन अमाउंट का करीबन 25% के आसपास ये जो आपके फ्रॉड दस्तावेज बनाते थे ये लोग रखते थे। इसी में एक बड़ी रोचक चीज़ जो सामने आई कि जो दोनों लोन इंदौर में डिसबर्स हुए थे ये दोनों रहवासी रायसेन जिले के थे, परंतु इनके बैंक अकाउंट्स BSF ब्रांच इंदौर में खोले गए थे। जब इनके एड्रेस प्रूफ जो इन्होंने दिए थे उसके बारे में पता लगाया गया तो ये पता चला कि जो आधार में एड्रेस प्रूफ हैं वो भी फर्जी हैं और वो इंदौर के किसी रहवासी के नाम पे दिए गए हैं। इसी के साथ साथ वर्तमान में इनके पास से जो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स, साथ ही साथ जो लैपटॉप्स जहाँ से ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स या फॉल्स डॉक्यूमेंट्स बनाते थे और जो अन्य दस्तावेज हैं उनकी जब्ती की जा रही है। आधार कार्ड पर किसी सरकारी अधिकारियों का भी एड्रेस दिया जाता था, कौन सा अधिकारी किस तरीके से रहता है? जी, ये बात इसमें जो सामने आई है कि जो इसमें बैंक के द्वारा बैंक में जो आधार कार्ड सबमिट किया गया था उसमें फ्रंट पार्ट जो था नाम और फोटो वाला वो तो जो लोन धारक है उसी का था, परंतु उसके पीछे जो एड्रेस लिखा था वो वर्तमान में एक रिटायर्ड जो SHO है इंदौर पुलिस के, उनके एड्रेस का लिखा गया था, जो कि मऊ की एक आधार ऑनलाइन की जो दुकान थी वहाँ से उन्होंने अपडेट करा के चेंज कराया था।
अभी तक कितने आरोपियों को गिरफ्तार किया? अभी इसमें करीबन 7 से 8 लोगों से किन्हीं से पूछताछ चल रही है और गिरफ्तारी हुई है। बाकी अन्य लोग जो इनके अन्य जिलों में हैं, टीम्स बाहर गई हुई हैं, जिसमें रायसेन और उदयपुरा में फिर से दबिश दी गई है। तो जो इनके अन्य साथी हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। जी, जिस प्रकार का ये चेन काफ़ी समय से काम कर रहा था और जैसा बता रहे हैं कि 2 साल से ये सक्रिय था, क्योंकि जो बैंक अकाउंट, जो बाय सैलरी नाम से बैंक अकाउंट है, वो 2 साल पहले होशंगाबाद की IDBI बैंक ब्रांच का बना हुआ है। और लगातार अगर आप 2 साल से उसके ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को देखें तो उसमें लगातार बाय सैलरी नाम से डेबिट हो रहा है। इसका मतलब है इन्होंने अन्य फर्जी लोन भी कराए होंगे, और संभवतः जो बैंक में फील्ड ऑफिसर रहते हैं या लोन डिसबर्सल ऑफिसर रहते हैं, जिनका ये कर्तव्य होता है कि वो जाके फिजिकली वेरीफाई करें कि जिस आदमी ने अपनी जो आइडेंटिटी बताई है वो वहाँ रहता है कि नहीं, वो वहाँ ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है कि नहीं। तो संभवतः इसमें कुछ अन्य लोग जो बैंक से अगर शामिल होंगे, उनके संबंध में अगर साक्ष्य आएंगे तो उनको भी आरोपी बनाया जाएगा। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट